अम्बेडकर जी, अभी आप जैसे बात कर रहे थे बसपा और सपा गठबंधन के बारे में, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, भूमिका तो हमारी दोनों पार्टियों की है। पिछले समय में जब माननीय कांसीराम साहब थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भी हिंदुत्व के लवादे में इस देश के को खतरे में डालने के लिए, इस संविधान को खतरे में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू दलित के नाम पर एक रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के नाम पर। और उस समय भी जब गठबंधन हुआ माननीय मुलायम सिंह यादव माननीय कांसीराम साहब के बीच में, तो नारा लगाया गया था कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा हो गए जय श्री राम। आपने देखा कि रिजल्ट क्या रहा, इनका राम मंदिर का मुद्दा किनारे हो गया और बड़े पैमाने पर सपा और बसपा को बहुमत मिला और सरकार बनी। लेकिन ये जो हमारी ताकत बनी इस देश के दलित पिछड़े समाज, मैनोरिटी समाज की ताकत बनी इस देश के सृजन के लिए, तो ये छदम हिंदूवादियों को, झूठे राष्ट्रभक्तों को, इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों को ये रास नहीं आया और हमारे दोनों नेताओं के बीच में झगड़ा लगा दिया। तो झगड़ा जब लग गया बहन मायावती जी के बीच, माननीय मुलायम सिंह जी के बीच में, तो बारी बारी से इन दोनों को कमजोर कर दिया। आज मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ा हर्ष की बात है कि हमारे दोनों नेताओं ने पुराने नजीर को फिर से दोहराने का काम किया और एक मंच पर आए हैं। जब एक मंच पर आए हैं तो इसका रिजल्ट हम गोरखपुर में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी 25 साल तक सांसद बने हुए थे, वो सीट भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज किया सपा बसपा के गठबंधन ने। और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, फूलपुर से जो सांसद थे, उनको भी हम लोगों ने जब शक्तियाँ मिली तो उनको मिलकर चूर्ण कर दिया और समाजवादी पार्टी के फूलपुर गोरखपुर सांसद बने। और यही रिजल्ट हम कैराना के चुनाव में दोहराएंगे। कैराना और नूरपुर दोनों सीटों पर, एक विधानसभा और लोकसभा, यहाँ पर भी हम बड़े अंतर से, भारी अंतर से, जिसकी कल्पना नहीं भारतीय जनता पार्टी की होगी, उस अंतर से, 1 लाख से अधिक अंतर से हम इनको कैराना में हराएंगे और 50,000 से अधिक अंतर से हम इनको नूरपुर में हराएंगे।